है जी। तो हाइट बढ़िया है इसमें, बीमारी भी इसमें है तो पर इतनी नहीं है, बहुत कम है। अच्छा हाँ जी, बीमारी ज्यादा नहीं है, थोड़ा टॉप बोरर है इसमें जी, और ज्यादा कोई बीमारी नहीं इसमें। नहीं 38 के मुकाबले तो कम है ना। हाँ जी 38 के मुकाबले पे ही बात हो रही है, अब तो सब वैरायटियों का मुकाबला 38 से ही है जी। जी लिकार्ड का मान लो, बीमारी का मान लो, कहीं का मान लो आप, तो 38 के मुकाबले इसमें बीमारी कम है और तैयार अच्छा हो रहा है, वजन का भी ठीक लग रहा है, हमारे भी वजन भी अच्छा निकला इसमें जी। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से यूट्यूब चैनल उदयवीर अहलावत पर। भाइयों आज शामली के टिटोली गांव में है चौधरी देवेंद्र सिंह के खेत पर, और भाइयों इन्होंने कितनी सारी वैरायटी लगा रखी, सारी वैरायटी दिखाऊंगे, इनके खेत की सारी जानकारी लेंगे। ये 14201 है भाइयों, ट्रंच से बुआई कर रखी, और इससे आगे 15023 है, ये देखो जी 15023 होगी, और ये नया 18 है भाइयों, 0118 बैंगनी गोड वाला। इनके खेत की सारी जानकारी लेंगे, कौन से बीज का क्या उत्पादन है भाइयों, और कब लाया, कब और रखा, कब से खेती कर रहे, ये जी किसान भाई मुलाकात कराऊंगे। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार जी, अपना परिचय दो जी एक बार। मेरा नाम देवेंद्र सिंह देसवाल, गांव टिटोली, जिला शामली जी। तो ये कौन कौन सी वैरायटी लगा रखी जी? इसमें 14201 है जी, 15023 है, और 118 है जी। जी ये कब की बुआई है जी? ये 15 मार्च की बुआई है जी। अच्छा ये हाँ जी, सारी खेत में एक ही साथ की है जी? हाँ जी एक ही दिन की बुआई है सारे बीजों की। अच्छा हाँ, तो जैसा ये 3-4 बीज बो रखे है जी? जी जी। कौन सा बीज ज्यादा बेहतर नजर आ रहा फिलहाल? इसमें देखो 23 भी बढ़िया है जी, वैसे फिलहाल में तो आप देख भी रहे होंगे 118 वैरायटी, इधर को आ जाओ जी, 118 वैरायटी अच्छा रेस्पॉन्स दे रही है, अच्छी तैयार हो रहा जी। लेकिन 15023 में थोड़ा जंगली जानवरों का नुकसान बहुत ज्यादा है, इस वजह से किसानों का मन कोई भय नहीं रही जी। आ जाओ जी, चलो अंदर दिखाओ जी। आ जाओ जी, ये देखो भाइयों 118 ये दिखाओ। अच्छा ये यहाँ से है शुरू? हाँ जी। तो इसकी क्या खास बात है जी इस वैरायटी? एक तो ये लगा जी हाइट बहुत बढ़िया ली इसने जी, क्योंकि पूरा खेत एक ही दिन का बुआ हुआ, सब कुछ एक ही साथ हो रहा है इसमें जी, तो हाइट बढ़िया है इसमें, बीमारी भी इसमें है तो पर इतनी नहीं है, बहुत कम है। अच्छा हाँ जी, बीमारी ज्यादा नहीं है, थोड़ा टॉप बोरर है इसमें जी, और ज्यादा कोई बीमारी नहीं इसमें। नहीं 38 के मुकाबले तो कम है ना? हाँ जी 38 के मुकाबले पे ही बात हो रही है, अब तो सब वैरायटियों का मुकाबला 38 से ही है जी। जी लिकार्ड का मान लो, बीमारी का मान लो, कहीं का मान लो आप, तो 38 के मुकाबले इसमें बीमारी कम है और तैयार अच्छा हो रहा है, वजन का भी ठीक लग रहा है, हमारे भी वजन भी अच्छा निकला इसमें जी। तो इसका मुड्ढा भी काट लिया के पहले साल है? नहीं जी, अब की बारी बुआई करी इसकी। अच्छा पहले साल बुआई करी? हाँ जी जी। तो जैसा जमाव वगैरह कैसा है जी इसका? जमाव अच्छा है जी, ये देख लो आप जी, सीलिंग ठीक है जी इसमें, बढ़िया है, जमाव में कोई दिक्कत नहीं है जी। आ जाओ, इसकी पहचान क्या है जी इसकी 0118 की? आपने 118 की पहचान एक तो यही है जी कि ये बैंगनी कलर का है। अच्छा, और दूसरी पहचान ये है कि इसमें कांटे है ऊपर। अच्छा थोड़ी कांटी है? हाँ जी ऊपर इसमें कांटे है जी, और थोड़ा वैज्ञानिक लोग तो इसके कान का उसका काफी कुछ बताते हैं, मोटा मोटा किसान के तौर पर बैंगनी कलर है और इसमें कांटी है ऊपर। अच्छा ये इसकी पहचान है जी। जी और इसमें बैंगनी कलर है और कांटे नहीं है, वो 118 नहीं है। अच्छा वो असली नहीं है? नहीं जी जी। तो इसकी रिकवरी वगैरह क्या है जी? ये बहुत अब की बारी बोया जी, देखो अगले साल इसका पूरा वो करवाएंगे। नहीं वैसे तो पास वैरायटी है? हाँ जी पास वैरायटी, ये तो सब मिल में है ना? हाँ जी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे यहाँ जितनी भी वैरायटियाँ है सब वे वैरायटियाँ हैं जो उत्तर प्रदेश में वैलिड है जी, और मेरे पास शाहजहानपुर से बीज उत्पादन करने का सर्टिफिकेट भी है जी। कोई धोखाधड़ी नहीं किसी भी किस्म की, अगर कोई भाई वैरायटी मेरे यहाँ से ले जाता है और कोई दिक्कत उसमें आती है तो वो तुरंत मुझे कॉल करे, उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी जी। जी ये आ जाओ जी, अच्छा वजन है, अच्छा लग रहा है, उम्मीद की अच्छा उत्पादन देने वाली वैरायटी है। हाँ मेल लग रही है जी, मेल लग रही है। देखो जी बंधाई थोड़ी ज्यादा मांगे जी, थोड़ा बंधाई का जो देखा है इसमें। अच्छा तो बंधाई थोड़ा ज्यादा मांगे ये।
अच्छा, बंधाई का विशेष ध्यान रखना पड़े। हाँ जी, बंधाई का इसमें विशेष ध्यान रखना पड़े। 15/0/23 में भी बंधाई का ध्यान है जी, और इसमें 118 में भी बंधाई का। एक दिक्कत हो रही है, जैसे ट्रंच का है जी, मुझे छोटा ट्रैक्टर नहीं है मेरे पास जी, तो वह दिक्कत मुझे महसूस आई। ट्रंच में मिट्टी अगर चढ़ जाती जी तो इसमें बंधाई मुझे कम करनी पड़ती बहुत ही। अच्छा, तो ये इसकी दूरी क्या रख रखी? ये 42 इंच पे है जी। अच्छा, ये 42 पे है। हाँ जी। और जुताई किस चीज से कर रहे हैं अब? तो हम पावर वीडर चला रहे जी। पावर वीडर से जुताई तो बढ़िया हो जाए, लेकिन मिट्टी नहीं चढ़ा पाते हम। हाँ, मिट्टी नहीं चढ़ पाती। हाँ जी, मिट्टी तो छोटे ट्रैक्टर से ही बढ़िया चढ़े, और छोटा ट्रैक्टर हमारे पास था नहीं, और हमें वैसे उपलब्ध हो नहीं पाया रेंट पे जी। तो वह दिक्कत आने की वजह से हमारा ये गन्ना थोड़ा तिरछा हो गया। जिनके पास यह उपलब्ध हो छोटा ट्रैक्टर, उनके लिए बढ़िया ट्रंच की बुआई भी, कोई दिक्कत नहीं जी। तो जैसे मान लिया स्प्रे वगैरह का क्या रहा जी, स्प्रे की बात करें तो इसमें 2 स्प्रे है जी कुल बस। बस हाँ जी, ये मैंने थोड़ा इस वजह से पहली बार बोया तो मेरा थोड़ा नोबी फोकस था कि ये देखो कि बीमारी आया हुआ है तो कौन सी आवे, क्या क्या इसमें दिक्कत है आवे जी। तो दो इसमें अगस्त में और सितंबर में 2 स्प्रे मैंने करे थे। तो स्प्रे की जरूरत कम पड़ी फिर भी? हाँ जी, कोई नहीं, टॉप बोरर के लिए जरूरत पड़ी और कोई वो नहीं था इसमें, फंगस वगैरह कुछ नहीं आई जी। और ये जो 23 है ये साइड में जी, 23 में नहीं स्प्रे की जरूरत जी बिल्कुल भी। अच्छा, ना ना, 23 में तो बिल्कुल जरूरत है नहीं। अगर 23 में तो आप स्प्रे कर रहे तो आप एनपीके का या कोई और वैसा स्प्रे कर लो, दवाई की जरूरत नहीं। अच्छा, दवाई बड़ा नुकसान भी करे? दवाई नुकसान करे जी 23 जी। तो हाइट तो वैसे इसकी भी, 23 की भी बहुत बढ़िया। हाँ जी, 23 की हाइट बढ़िया है, आप देख लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 23 में दिक्कतें वहीं आओगी जी, जिन लोगों ने इन पर ज्यादा 38 की तरह ही सोच के स्प्रे कर दिए वहां पे दिक्कत है जी 23 में। जिन्होंने स्प्रे कम से कम रखे उनके लिए बढ़िया वैरायटी है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा जंगली जानवरों को इसमें नुकसान है, ये बात मैं कोई 23 का मुड्डा भी काट लिया आपने? हाँ जी, 23 का मुड्डा भी काट लिया। तो उसका क्या एवरेज आया था जी? अब की बार तो जी उसका 70 का एवरेज आया 23। हाँ जी, चलो ठीक था जी। वैसे पिछले साल मैंने उसका बोर्ड कटा था जी, वो 90+ हो गया था जी, और अब की बार जो मुड्डे का मैंने कटा तो 70 पे गया। अच्छा, और जो 14201 है उसका? 14201 का मुड्डा नहीं कटा जी, उसका नहीं कटा नहीं जी, उसके तो देखो बोर्ड ही है। तो अच्छा, ये कैसी वैरायटी चल रही है जी? 14201 वैरायटी, मैं तो अपने अनुभव से ये कहूंगा कि आप असोज में बुआई करें उसकी जी, असोज के लिए बढ़िया वैरायटी है। अच्छा, असोज की बुआई अच्छा हुआ? हाँ जी, जहाँ जंगली जानवरों का नुकसान ज्यादा हो वहाँ के लिए भी ये बढ़िया है। अच्छा, उसे नहीं खाते? नहीं जी, उसमें कोई जंगली जानवर हुए कोई नुकसान नहीं है उसका। अच्छा, हाँ जी, चलो देखो भाई। तो भाई साहब, जैसा मान लिया आपने इतनी वैरायटी लगा रखी। हाँ जी। और एक ये नई वैरायटी पे तो बता रहे थे आप। हाँ जी, इसमें 17231 वैरायटी के पिछले साल मुझे 100 बट मिले थे जी, और वो मैंने लगाए हुए है। 16233 है सामान्य की वैरायटी, उसके भी मैंने 100 बट लगाए हुए हैं जी, और अब की बार उन्हें मैं दूसरे खेत में बोऊंगा जी, तो अगले साल मैं किसानों को उसका शायद बीज भी आपको लोगों को उपलब्ध करा दूंगा। अच्छा, ये जो नई वैरायटी है जी, 17 कौन सी है जी? 17231। 17231, इसे दिखाइए जी, ये कौन सी है? ये नहीं, ये कहाँ शुरू है? ये अच्छा, ये है। हाँ जी, ये हाइट हो रही भाई, इसकी हाइट भी मेरे ख्याल से हो रही होगी। तो ये तो हाइट अब नई वैरायटी है, थोड़ी कम है जी। अच्छा, नई वैरायटियों में थोड़ा दिक्कत आवे, अब जमीन ये सब चीज इन्हें सुटेबल होगी तो उसके बाद ये हाइट और अपना पूरा रेस्पॉन्स दे पाए। अच्छा, समय लगता है इसमें? हाँ जी, 2-3 साल लग जाएंगे। अच्छा, इसका गन्ना दिखाइयो जी। ये जी, ये कहाँ से मिली थी जी आपको? ये शाहजहानपुर से। अच्छा, ये भी शाहजहानपुर की? हाँ, ये शाहजहानपुर की वैरायटी है, पिछले साल शाहजहानपुर से ही लाया था मैं इसको जी। हाँ जी, तो आपके यहाँ कौन सा बीज उपलब्ध हो सके जी, किसान भाई अगर कोई लेने आए? हाँ जी, अगर कोई किसान भाई हमारे यहाँ आए तो 118, 15023 और 14201 हम किसानों को उपलब्ध करा देंगे जी अपने यहाँ से। अच्छा, तो एक बार वीडियो में नंबर बता दो जी अपना। नंबर है जी 8923-4692। तो किसान भाइयों, ये जो है चौधरी देवेंद्र सिंह का नंबर आ गया, अगर इन 2-3 वैरायटी में से किसी भाई को चाहिएगी तो इनसे संपर्क कर लियो। टिटोली के रहने वाले हैं, जिला शामली, और वीडियो में नंबर आ गया भाइयों। और ये जो है 0118 और ये 15023 और 14201 वैरायटी दिखा दी मन्ना आपको। तो ये इनके खेत की वीडियो थी भाइयों, उम्मीद करता हूँ कि आपको जरूर पसंद आएगी। सब्सक्राइब और लाइक करना। नमस्कार।